Welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. So as in the title, today we are going to convert Maharashtra retail into ring road. Confused? Let me explain. Aap logo to pata hai, myself and Zubair sir has experimented a lot for installing top luggage plate for RR310. Uska video bhi apne channel ke upar hai, kaise hum logo ne design kiya tha as a luggage plate for touring purpose on RR310. Every detail is there, you guys can check it out by clicking the I button right now. On that time, I don't have time to show you how we can connect the luggage plate on RR310. So what I was thought ki meri upcoming ride hai, so uske liye mujhe luggage plate lagana hai. So I just thought why not I show you how you can connect the top luggage plate on RR310. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंस्टॉलिंग द लगेज प्लेट हमें सीट रिमूव करनी पड़ेगी और ये पोर्शन रिमूव करना पड़ेगा फॉर रिमूविंग अवर दिस पार्ट ऑफ बाइक. उससे अपना ये साइड का हैंडल बार ग्रिल रिमूव हो जाएगा. लेट मी शो यू हाउ टू रिमूव दिस एरिया ऑन RR310. सो सीट रिमूव कर लेते हैं. नाउ लेट्स रिमूव द राइडर सीट. ये भी रिमूव गई. सो ये पार्ट रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल कम्प्लीट पार्ट विथ हैंड ग्रैब रेल. सो ये दोनों पार्ट एक साथ चार स्क्रू के ऊपर अटैच किए गए हैं. वो चार स्क्रू यहाँ पे है. बिफोर रिमूविंग दैट स्क्रू हमें क्या करना पड़ेगा, ये एरिया जो एक पार्ट है वो रिमूव करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये स्क्रू यहाँ पे है, ये स्क्रू यहाँ पे है. दीज आर द प्लास्टिक स्क्रूज. और उसके बाद ये एलन की से दो स्क्रू रिमूव करने हैं. तो फर्स्ट लेट्स रिमूव दिस प्लास्टिक स्क्रू विथ स्क्रू ड्राइवर. लेट्स रिमूव अनदर वन. Now let's remove this screw with Allen key. The Allen key number is 5. So ये ऐसे कुछ Allen key का स्क्रू है. सो अभी ये पार्ट हमें रिमूव करना है, बहुत केयरफुली रिमूव करना है. यहाँ पे इसका लॉक है, एक लॉक यहाँ पे है और एक कंप्लीट यहाँ पे लॉक सिस्टम है. सो मेक श्योर यू रिमूव इट प्रॉपरली, बिकॉज एक भी लॉक टूट जाएगा तो ये प्रॉपरली में बैठेगा नहीं. इसको नीचे की तरफ पुश कर लीजिए इतने एरिया को, तो लॉक में से रिमूव हो जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी. तो ये कंप्लीट पार्ट रिमूव नहीं हो जाएगा. द प्रॉब्लम इज अपना जो पिलियन का सीट रिमूव है उसका लॉक सिस्टम यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट है. आप देख सकते हो उसका लॉक यहाँ पे है. सो ये कंप्लीट पार्ट जॉइंट है, उसको चाहिए तो रिमूव कर सकते हैं, बट आई विल प्रीफर यू नॉट रिमूव इट. ये जो तार है यहाँ पे पुश करके रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा. इसको ऐसे यहाँ पे साइड में करके रख दीजिए आप. सो चार स्क्रू है, एक दो तीन चार, ये चार स्क्रू रिमूव करने हैं. तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अपना ये एरिया रिमूव हो जाएगा. बट बिफोर दैट जो दोनों भी रियर इंडिकेटर है और ये जो टेयर लाइट है उसका जो वायर का कनेक्शन है वो यहाँ पे आया हुआ है उसी होल में से. यू गाइस कैन सी, तो तीन वायर है, उसको उसके लॉक में से रिमूव करना है पहले. लेट मी शो यू. तो ये है फॉर टेल लाइट, उसको यहाँ से पुश कर लीजिए. ये देख सकते हैं यहाँ पर लॉक है, उसको पुश करने के बाद ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा. ये आ गया. Now it's time for the rear indicators, left hand side and right hand side. ये आप देख सकते हो यहाँ पे लॉक है, इसको जस्ट ऊपर की तरफ पुश करना है आपको. That's it. Same for this one also, ऊपर की तरफ पुश करना है और रिमूव हो जाएगा. सो ये तीन जो वायर है ऐसे रिमूव हो जाएगी. Now let's remove this four screw. So for removing those four screw, हमको क्या करना है, 10 नंबर का स्पैनर यूज़ करना है. दिस वन आई यूज़ एज ए एक्सटेंडर. सो एक्सटेंड कर लिया ताकि ओपन करने में बहुत आसानी हो जाएगी. ये लूज़ हो गया. इसको नीचे की तरफ कुछ नट बोल्ट नहीं है, डायरेक्टली अब लूज़ करने के बाद स्क्रू बाहर आ जाएगा. ये आ गया बाहर. टोटल ऐसे चार स्क्रू है जिसको रिमूव करने हैं. तो जो फोर्थ स्क्रू है रिमूव करते हो मेक श्योर नीचे का रियर इंडिकेटर और ग्रैब रेल है उसको एक हाथ से पकड़ ले, बिकॉज ये रिमूव करने के बाद वो पोर्शन रिमूव हो जाने वाला है. आप देख सकते हो ये पार्ट रिमूव हो गया है. लेट्स रिमूव द वायर प्रॉपरली. ये अपनी वायर, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट है, उसको रिमूव कर सकते हैं आप. ये रिमूव हो गया. सो जब आप लगेज प्लेट लगाएंगे तो ये पार्ट आप वापस कनेक्ट नहीं कर सकते, ये पार्ट इजीली कनेक्ट होगा. लेट मी शो यू इन हेड ऑफ दिस व्लॉग. फ्रेंड दिस आर द पार्ट्स ऑफ लगेज प्लेट. ये जो मेन पार्ट है लगेज प्लेट का जो पीछे की तरफ बैठता है, बट फॉर माउंटिंग इट हमें लगते हैं ये बाकी के तीन पार्ट. ये है साइड का जो पार्ट, दोनों साइड में लग जाएगा. ये ऐसे
दोनों साइड के ऊपर, और यहाँ पे पीछे बैठ जाएगी अपनी लगेज प्लेट। बट मेन जो पार्ट है वो है ये पार्ट, जो इस दोनों पार्ट को यहाँ पे और यहाँ पे बैठ के सपोर्ट देगा। इस पार्ट पे आप देख सकते हो ये जो बड़ा होल है वो दिया गया है, जो हमने तीन वायर दी थी वो तीन वायर नीचे से अंदर की तरफ जाके अपने सर्किट में परफेक्टली बैठ जाए, दैट्स वाई ये एक होल दिया गया है। और ये चार होल है फॉर अटैचिंग दोस फोर स्क्रू 10 नंबर्स विच वी रिमूव, वो अभी इस प्लेट पे नहीं लगेंगे बिकॉज उनकी जो हाइट थी बहुत छोटी थी, तो उसके लिए हमें लगेंगे न्यू सेट ऑफ स्क्रूज। लेट मी शो यू। सो ये चार स्क्रू विथ नट बोल्ट है विथ सेम एलन की ऑफ नंबर 4। सो ये बैठेंगे, सो एक वाइसर ऊपर की तरफ यूज होगा, एक वाइसर नीचे तरफ यूज होगा फॉर बेटर प्रोटेक्शन, और नीचे की तरफ आता है बोल्ट। सो ये टोटल चार है, 1, 2, 3, 4 के लिए। उसके बाद जो साइड की प्लेट है, जो ये साइड की प्लेट लगेगी 1, 2, उसके लिए एक साइड पे 2, दूसरे की तरफ 2। और उसके बाद ये जो प्लेट है, इस प्लेट को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए 1, 2 यहाँ पे बैठ जाएंगे 2 नट एंड बोल्ट, और दूसरे साइड पे 1, 2 यहाँ पे बैठ जाएंगे ये सेम। तो पहले हमें इंस्टॉल करना है ये पार्ट। तो ये पार्ट सिर्फ ऐसे ही यूज में होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे टेल टाइडी हो गई अपनी बाइक की, पीछे की तरफ ये पार्ट भी इंस्टॉल करना है। सो ये पार्ट बैठेगा एग्जैक्टली यहाँ पे। उसके पहले आपको ये तीन वायर इस होल में से ऊपर की तरफ लेनी है। सो ये ऐसे आ गई वायर ऊपर, और ये नीचे के होल या ऊपर के होल परफेक्टली मैच करके ये पार्ट अपना इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। अब ये जो तीन वायर है उसको इस होल में से ऊपर की तरफ ले लेते हैं। अपनी तीनों वायर ऊपर की तरफ आ गई है, इनको खींच लीजिए आप ऊपर से साइड में ले लीजिए। सो आप देख सकते हो इस ग्रुप में एक वाइसर ऊपर की तरफ आएगा, एक वाइसर नीचे की तरफ आएगा, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ इंसर्ट करना है। सो अभी हमें नीचे का स्क्रू और ऊपर का ये जो माउंटिंग का स्क्रू है परफेक्टली एडजस्ट करना है। सो ये स्क्रू हमने यहाँ से इंसर्ट कर लिया, उसको एग्जैक्टली मैच कर लेते हैं नीचे। ये वाइसर प्लस बोल्ट यहाँ पे इंसर्ट कर लिया मैंने, और ये अपना बोल्ट यहाँ पे लग गया है। मेक श्योर आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बिकॉज पहले चारों स्क्रू लगा के फिर उसके बाद टाइट करेंगे उसको। नाउ लेट्स इंसर्ट सेकेंड स्क्रू। ये भी आ गया यहाँ पे नीचे, इसके भी पहले वाइसर डाल के फिर ये बोल्ट कर। सो नाउ लेट्स इंसर्ट द थर्ड वन। नीचे की तरफ आ गया थर्ड वन। यहाँ पे थोड़ा एरिया बहुत कम मिलता है हमको, तो बिफोर स्क्रू एडजस्टिंग उसको ऊपर की तरफ एक हाथ से पकड़ लो, फिर उसके बाद ये वाइसर और ये बोल्ट यहाँ पे डाल दो। सो ये यहाँ पे लग गया। नाउ लेट इंस्टॉल द लास्ट वन, फोर्थ वन ऑन दैट साइड। तो फोर्थ वन आई एम इंस्टॉलिंग, चौथा आ गया, और ये अपना फोर्थ वन भी कनेक्ट हो गया। सो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 चारों को चारों अपने नट एंड बोल्ट वाले स्क्रू लग गए हैं। अभी क्या करना है आपको, नीचे की तरफ से 10 नंबर का बोल्ट है वो, तो 10 नंबर के पाने से नीचे की तरफ पकड़ के रखना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ एलन की से टाइट करना है। लेट मी शो यू। सो आप देख सकते हो 10 नंबर के पाने से मैंने बोल्ट पकड़ के रखा है नीचे। मेक श्योर आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा टाइट कर लीजिए, उसके बाद चारों स्क्रू एक साथ टाइट करेंगे। सो फ्रेंड्स अपने ये चारों बोल्ट बैठ चुके हैं एकदम टाइट। हिला के दिखाता हूँ आपको प्लेट, पूरी बाइक हिल रही है, मगर यहाँ पे ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है। नाउ व्हाट आई विल डू द वायरिंग कनेक्ट पार्ट हियर। यहाँ पे जाएगा ये, यहाँ पे चला जाएगा। सो अभी ये जो पार्ट है वो पार्ट बैठेगा यहाँ पे ऐसे, इसका एंगल आप देख सकते हो, तो ये यहाँ पे एक एंगल में है, और इसका जो होल किया है वो नीचे की तरफ किया है। क्यों? क्योंकि आपका जो लगेज है, जैसे मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बता दिया था, उसका जो एंगल है ऑलवेज ऐसे ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि जब भी हवा आए तो आपका लगेज पीछे की तरफ उड़ ना जाए, आगे की तरफ स्टेबल रहे। दैट्स वाई इसका एंगल हमने थोड़ा टेढ़ा किया था। सो ये स्क्रू यहाँ पे गया और ये स्क्रू यहाँ पे गया, ये ऐसे बैठ जाएगा। लेट मी शो यू। और इसका जो बोल्ट है वो पीछे की तरफ लगा देता हूँ मैं। एक हो गया लेफ्ट कनेक्ट, अनदर वन एग्जैक्टली होल मैच कर लिया हमने। नाउ लेट्स टाइट दिस बोथ स्क्रू। तो ये हम लोगों को पकड़ना है 13 नंबर के स्पैनर से पीछे का बोल्ट। सो पकड़ लिया, लेट्स टाइट इट अप। सो ये अपना साइड का प्लेट लग चुका है,
देख लीजिए कितना मजबूत बैठ चुका है ये। तो यहाँ पे ऐसे आ जाता है, इंडिकेटर के ऊपर ज़रा भी टच नहीं है, ऊपर की तरफ है। नाउ लेट्स कनेक्ट द सेम प्लेट ऑन दैट साइड। सो अपना लग चुका है राइट हैंड साइड का प्लेट, ये एक दो और ये तीन चार जो स्क्रू है उसके ऊपर ये प्लेट ऐसे बैठ जाएगी। आप देख सकते हो उसका एंगल टिल्ट है। सो नाउ लेट्स कनेक्ट दिस फोर नट एंड बोल्ट। वहाँ की तरफ गया तो ये यहाँ पे जाएगा उसका बोल्ट। हमारा दूसरा वाला नट एंड बोल्ट लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो देख ही लिया अपनी लगेज प्लेट बैठ गई है। एक आपको क्लोजर अराउंड वीडियो दिखा दे रहा हूँ उसका। सो ये अपनी ये मेन प्लेट लग गई थी, उसके बाद आपने देखा ये साइड की प्लेट लग गई, फिर उसके ऊपर ये अपनी टॉप लगेज प्लेट बैठ चुकी है। सो ये प्लेट है फॉर लगेज माउंट, इनकेस आप यहाँ पे प्लेट चेंज करके टॉप ऑफ बॉक्स की प्लेट भी इंस्टॉल करा सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट जुबैर सर। सो पीछे से ऐसी दिखती है, इस साइड से ये ऐसे है, यू कैन सी परफेक्ट शेप। सो अभी आई विल इंस्टॉल दिस प्लेट बैक। सो फ्रेंड्स, ये था अपना टॉप लगेज प्लेट इंस्टॉलेशन व्लॉग। नाउ व्हाट आई विल डू, आप लोगों ने नई चेन तो लास्ट व्लॉग में देख ली होगी, सो उसको भी चेन लुक कर दूंगा बिकॉज आई हैव माई अनदर राइड इन नेक्स्ट टू डेज। तो उसी के प्रिपरेशन के लिए ये लगेज प्लेट बैक टू ऑन बाइक। तो आप लोगों ने देख लिया ये जो टोटल इंस्टॉलेशन है, ये इंस्टॉलेशन करते हुए बाइक के ऊपर कुछ भी मॉडिफिकेशन मैंने नहीं की है, सब कुछ स्टॉक है। सेम स्क्रू के होल यूज़ किए हुए हैं, कहाँ पे एक्स्ट्रा ड्रिल वगैरह कुछ नहीं किया। दैट्स काइंड ऑफ वर्क वी गेट एट वेनॉम विद जुबैर सर। सो इनकेस यू गाइज वॉन्ट टू बाय द सेम टॉप लगेज प्लेट फॉर योर RR310, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, यू कैन कॉन्टैक्ट जुबैर सर। The price it will cost you around 3,500 rupees. Believe me, this luggage plate helped me a lot on my recent taste of North India ride. आप लोगों ने वो vlog देख ही लिए होंगे कैसे मैंने इसके ऊपर more than 25 kgs weight carry किया है without any issues. कुछ problem face नहीं किए थे हमने, भले हमें बोला गया था max 10 kg weight ही ये plate लेगी, but 25 kgs noted guys, 25 kgs तक ये plate weight ले सकती है। अगर आप लोगों ने नॉट ये व्लॉग नहीं देखे रहेंगे तो आई बटन उसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट। सो आफ्टर दिस व्लॉग आई विल ट्राई टू अपलोड द RSA रिन्यूअल प्रोसेस। आप लोगों को तो पता ही है ऑन माय फिफ्थ सर्विस ऑफ RR310 मैंने बता दिया था दो प्रॉब्लम मैंने फेस किए थे। वन इज दैट RSA रिन्यू कैसे करें, एंड सेकेंड वन अपना चेंज प्रॉफिट की हाईएस्ट कॉस्ट अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, यू गाइस कैन चेक आउट इन आई बटन नाउ हाउ टू इंस्टॉल द चेंज प्रॉफिट की। That is the exclusive vlog on YouTube channel currently, so you guys can check it out. So friend, if any of आप लोग ये vlog अच्छा लगा होगा तो यार वो नीचे का like button ना दबा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हमें, ताकि हमने पता चलेगा आपका response through that like button, आप लोग के vlog कैसे लग रहे हैं। If you have any questions, query regarding RR310 or the luggage plate, do let me know in comment section. Always try to reply the 99% of the comment under my vlog. So do let me know in comment section. If you are watching this vlog and you haven't subscribed to my channel, then I would request you, please guys, please do support our channel, do subscribe, do share this vlog with your friends who own the RR310. This hum aur encourage ho jayenge to make such a beautiful vlog on our channel. So friend, do subscribe to our channel. So this is Sagar, until next vlog, always be your helmet, ride hard, ride safe. See ya. Let's start the bike. In one crank boss, one crank, that's the RR310 for you guys. So let's start the chain loop. The bike is on paddock stand, let's start the looping on the new chain.